तो गाइस सबसे पहले आपको नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे आना है और यहाँ से आपको नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है पैदल। जहाँ पे अट्टा मार्केट खत्म हो रही है वहाँ से राइट की तरफ ऑटो जा रही है, आपको वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा ले लेना है। तो गाइस 10 रुपए के चार्ज से ई रिक्शा वाला आपको मेले तक पहुँचा देगा। रास्ते में जब ई रिक्शा में आप रहेंगे वहीं से आपको मेले का गेट दिख जाएगा साफ साफ। यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, रामलीला मैदान नोएडा स्टेडियम नोएडा सेक्टर 21 में ये मेला चल रहा है। तो गाइज अब अगर बात करें मेला कब तक चलेगा तो 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये मेला चलने वाला है। तो चलिए अब मेले के अंदर चलते हैं और अंदर जाके मेले को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आया हूँ नोएडा सेक्टर 21 में, जो मेला चल रहा है उसी मेले में लेकर आपको, और मेले का नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मेला लगा है। और ये दिल्ली और नोएडा NCR में एक ही जगह पे मेला लगा है। अगर दिल्ली या फिर नोएडा आप आसपास में रहते हैं तो आप यहाँ पे आके मेला देख सकते हैं। अंदर एंट्री करते लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको छोले भटूरे का दुकान, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग प्लॉट बेच रहे हैं, उसका बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, अगर किसी को प्लॉट खरीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो झूला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से झूला स्टार्ट है और झूले का जो किराया रहेगा वो 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मैक्सिमम है, इसी के अंदर आपका टिकट प्राइस रहेगा झूले का। गाइस इस मेले में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको पैसे फिजिकली फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादातर दुकानों पे फोन पे पेटीएम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन वो नहीं कर रहे हैं। अगर पैसे आप फिजिकली फॉर्म में ले जाते हैं तो छुट्टे भी जरूर ले जाइएगा, क्योंकि पिछली बार जब दशहरे मेले में मैं गया था तो बहुत लोगों का शिकायत था यहाँ पे दुकानदारों के पास झूले वालों के पास किसी के पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं। अगर 80 रुपये का आप टिकट लेंगे तो 20 रुपये आपको वापस नहीं किया जाएगा, यही बोलकर कि इनके पास छुट्टे नहीं हैं। तो गाइस यहाँ पे पिछला जो मेला था दशहरे में इसी स्टेडियम में लगा था, ये वाला जो मेला है उससे थोड़ा छोटा है, बाकी आप देख सकते हैं मेले का नज़ारा। विशाल सर्कस है ये, दशहरे के टाइम पे भी यहीं पे लगा हुआ था, बाकी यहाँ पे रेलगाड़ी है। टिकट प्राइस कितना है? 100 रुपये। कितना भैया? 100 रुपये का। दिवाली मेला नोएडा स्टेडियम के अलावा नोएडा हार्ट में भी लगा हुआ है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, गूगल मैप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस नोएडा हार्ट में जो मेला लगा हुआ है वो नोएडा स्टेडियम से छोटा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोएडा स्टेडियम में आके ही आप मेला देखें, बाकी आपकी मर्जी। बाकी सर बहुत सारे दुकानें भी लगने वाली है, ये सामने देखिए इतने सारे दुकानें भी लगने वाली है। करना है तो आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, और बाकी सामने यहाँ पे शायद डांडिया के लिए एक स्टेज बनाया हुआ है, अगर आपको डांडिया वगैरह खेलना है तो आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं। सौ रुपये सवारी, बच्चे का 50 पड़ेगा सर, बच्चे का 50 है। कल लौटे ऊंट चढ़ेगा आज। तो गाइस अभी हम ऊंट की सवारी करने जा रहे हैं। नाउ माय टर्न। किसी को भी ऊंट सवारी करना हो तो इस नंबर पे कॉल करके ऊंट चालक से बात कर सकता है।
भाई मजेदार राइड था। थकान तो नहीं बोल सकते बट मजा आया। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो गाइस इसी तरह के ट्रैवल एंड टूरिस्ट रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।